भक्ति व्याप्त हो गई। भक्त का लक्षण है सतरती सतरती सलोकान स्तारयति, आप जपे और औरा नाम जपावे। और संत का क्या लक्षण है, और संत का क्या गुण है? फरीद तो कहते काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, औगुण परया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। संत ना तो भेष से जाना जाता है ना देश से। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहन दो म्यान। और मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात आपसे नहीं कह रहा, हम भूल गए अपने शास्त्र और पुराणों के उस ज्ञान रूपी अथाह भंडार को, उस धन को भुला दिया हमने। तभी आज जीवन इतना भ्रमित है, तभी आज जीवन इतना चिंतित है, तभी आज जीवन क्लेश से ग्रसित है। नहीं तो शास्त्र तो कहता है ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई। पहले तो मनुष्य का देह सुर दुर्लभ, सोई ग्रंथन गावा, और उसके बाद भारतवर्ष में मनुष्य तो संसार में जहां देखो तहां है। पर देह नयन बिना और चंद्र रैन बिना और मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना। एक तो मनुष्य का देह है और फिर भारतवर्ष में, तो जो मनुष्य है वो भगवान को पा सकता है, और जो भारतवर्ष में मनुष्य बनकर आया है वो तो संत हो सकता है। वो वस्तुतः संत होने के लिए ही आया है। आप और मैं भूल गए ये बात दूसरी है। यहां आने वाले इस भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक का कर्तव्य है आप जपे और नाम जपावे। और किसी को जपाने का मार्ग क्या है, किसी को जपाने की विधि क्या है? पहले आप जपे फिर और नाम जपावे। मैं जो बांट रहा हूं ये संतों से मिला हुआ ही प्रसाद है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। लेकिन जब प्रसाद हाथ में आता है तो शास्त्र प्रसाद पाने की विधि बताता है। एक तो प्रसाद अकेले न पाया जाए, सबको बांट कर पाया जाए, लेकिन प्रसाद हाथ में आते ही सबसे पहले अपने मुख में रखा जाए, फिर उसका वितरण किया जाए। प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, ये प्रसाद का आदर है, शास्त्र आज्ञा करता है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही प्रसाद हाथ में आए कण रख लीजिए उसका जिह्वा पे, यही प्रसाद का आदर है, फिर वितरित करिए। बस प्रसाद उतना ही पाइए जितना हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। प्रसाद उतना ही पाइए जितना बस आपके हृदय तक जाए, कण भर पाइए, वितरित करिए प्रसाद। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता, जो पेट भर के किया जाए वो भोजन है, प्रसाद नहीं। प्रसाद तो बस जो हृदय को पवित्र कर दे, जो पवित्रता की एक सुचिता की एक सात्विकता की एक अनुभूति दे दे, उसी का नाम प्रसाद है। मैंने बहुत शास्त्रों का, शास्त्र की आज्ञा का, श्रुति की सम्मति का चिंतन करके ये निश्चय किया था कि कथा में कोई खाद्य पदार्थ नहीं बटेगा। आपकी प्रसाद बुद्धि केवल कथा में हो, आप किसी अन्य वस्तु के लोभ से यहां ना आए, आप कथा को आदर देकर आए। और कोई कहता होगा कहता रहे, कोई समझता होगा समझता रहे। जब कभी किसी नई जगह पर कथा होती है ना, तो शंभू जी जाते हैं पहले सब व्यवस्था देखने के लिए, बोले प्रसाद नहीं बिटेगा तो लोग कैसे आएंगे। जो प्रसाद के लिए आए वो नहीं आए तो अच्छा है। पर मैं इस विषय में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आप लोगों जैसे श्रोता मिले हैं जो वस्तुतः कथा सुनने के लिए आते हैं। मैं कथा सुनाकर आप पर कोई उपकार नहीं करता। मैं आज व्यासपीठ से शायद पहली बार कह रहा हूं, आप इतने प्रेम से सुनते हैं तो मुझे इतने प्रेम से कहने का अवसर मिलता है। आपका मुझ पर ऋण है, और मैं जीवन भर इस उत्तरदायित्व का वहन मस्तक झुकाकर करता रहूं तब भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपके आपके हृदय में बैठे वो श्रद्धा और विश्वास, वही तो मेरी प्रेरणा है, वही मेरा बल है। श्रवण बड़ी बड़ी भारी विधा है, भगवान को ले आती है हृदय में। तो बड़े भाव में भरकर राजा ने वर्ष भर गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके खूब संत सेवा की,
और सेवा भगवान को खींच लाती है। सेवा करने वाला भगवान के निकट नहीं जाता, सेवा करने वाले के निकट भगवान आते हैं, भगवान को आकर्षित करती है सेवा। राजा ने खूब संत सेवा की, खूब हरिगुण गाया, गुरुदेव को अपना वचन स्मरण था। ठीक एक वर्ष के पश्चात श्री रामानंदाचार्य, कबीर जी, रैदास जी और सहस्रों संतों को संग लेकर गागरौनगढ़ पधारे और राजा के तो आनंद का पारावार नहीं। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर, जदों दा असी तैनू जानिया रंग मानिया वेखे अजब नजारे, मैं ता बस हुन जी रहा इक तेरे सहारे, हथ बन करा मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ता बस हुन तेरे सहारे। मुझे नहीं लगता कि जिसके जीवन में संत और सदगुरु की कृपा स्थिर हो गई है, जिसका जीवन संत और सदगुरु की सेवा में समर्पित हो गया है, मुझे नहीं लगता भगवान के भंडार में उससे सुंदर कोई और वस्तु होगी उसे देने के लिए। इससे सुंदर भगवान के पास भी कुछ नहीं है, ये कृपा का अतिरेक है, अतिशय कृपा है कि विषय के गर्त में सहज ही चले जाने वाला ये जीवन भगवान कृपा करके संत सदगुरु की सेवा में लगा दे। इससे श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता। गुरु ने देखा कि राजा का जीवन वस्तुतः सेवामय हो गया है, भावमय हो गया है। जैसे द्वार पर पहुंचे, करूं आरती चरण पखारो, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी प्यार, करूं आरती चरण पखारूं तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया और केवल तन ही नहीं मन और धन भी गुरु चरणों में समर्पित करके निर्भर हुआ राजा कि प्रभु कृपा करिए, बस मेरे जीवन में यही क्षण, इस क्षण का सुख सदा बना रहे। तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूं, तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी, जो बात तुमने देखी देखी नहीं किसी। महलों में पधराया राजा के आनंद का कहना क्या। कल भी शायद हमने चर्चा की थी कि जब भजन के पथ पे आगे बढ़ोगे तो ये लक्षण है, प्रकट होना चाहिए जीवन में कि संत सदगुरु का दर्शन करके मन में उल्लास हो, मन में आनंद का संचार हो जाए, प्रतिपल प्रीति की अभिवृद्धि हो संत और सदगुरु का दर्शन करके। एक मास का समय व्यतीत किया,
गुरु चरणों की सन्निधि में सामीप्य में सत्संग की मंदाकिनी अविरल प्रवाहित होती रही। तन मन विषय और विषय की उस वासना से पूर्ण रूपेण विनिर्मुक्त हो गया। पुनंतिते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिकम्। यही संत और सदगुरु की सन्निधि का प्रसाद है। व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिकम्, जो जिस जीव को, इस जीवात्मा को भगवत पाद पद्मों की सन्निधि में ले जाए, मधुकर बना दे। अभी अभी क्या है, मन कैसा है, मक्खी जैसा, मक्षिका जैसा, गोबर पे भी बैठती है, मिठाई पर भी बैठती है। एक होता है मधुकर, मधुव्रत कहते हैं उसे, उसका मधु का ही व्रत है। वो पुष्प की कर्णिका पर बैठकर केवल मकरंद ही पीता है। और जैसे कीट भृंग न्याय से, कीट भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है, ऐसे संत की कृपा से वो लोहा कंचन करे ये कर दें आप समान। संत की कृपा से संत होता है जीव। मधुव्रत हो गया राजा, अब मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा। राजा का भाव स्थिर हो गया, कहा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रविदास जी कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजे और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। कह रैदास यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी, प्रभु लज्जा रखी और कैसे, बस भक्ति सदा सत्संग, श्रवण सुजस सुन आया हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। अब जब चलने का समय आया, साधु का जीवन कैसा है, साधु तो बहता जल है, मुद मंगल में संत समाजू, जुग जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थ है साधु। जब चलने का समय आया तो राजा को लगा कि गुरुदेव के साथ साथ प्राण भी चले जाएंगे, गुरुदेव के बिना जीवन कैसे धारण किया जाए। बड़ी अनुनय विनय की, बहुत समझाया आचार्य ने कि तुम राजा हो, तुम पर प्रजा का भार है। लेकिन राजा ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, जो कुछ है सो थारो में तो कुछ ना कमायो जी, हानि लाभ सब थारो में तो, हानि लाभ सब थारो में तो, दास कहायो जी नाथ थारी सरनी आयो। हे प्रभु मेरा त्याग मत करिए, आपके बिना जीवन धारण करना संभव नहीं। और जब आचार्य चरण ने देखा कि अब राजा किसी प्रकार मानेगा नहीं, भगवत भाव युक्त हो जाने के बाद माया में सामर्थ्य नहीं है, भगवत कृपा के बाद, भगवत कृपा की उस परिधि में जीव आ जाए, संत सत्संग की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, मैं तो बार बार कहता हूं, एक बार यदि भगवत कृपा का स्पर्श हो जाए, लोहे को तो पारस के स्पर्श से स्वर्ण बनाया जा सकता है, लेकिन स्वर्ण को फिर किसी भांति लोहा नहीं बनाया जा सकता। मंथन करके जब दही से छाछ और माखन को अलग कर लिया जाता है, एक बार अलग होने के बाद फिर दोनों को नहीं मिलाया जा सकता। एक बार संत सत्संग की कृपा से जीव भगवत चरणारविंद की कृपा का स्पर्श कर ले, फिर उसके बाद पुनः संसार में नहीं मिलता किसी भी भांति। अब राजा का संसार में रहना असंभव है, तो आचार्य चरण ने आज्ञा दे दी राजा को। रानियां चीत्कार करने लगी, रुदन करने लगी कि हम सब भी आपके संग चलेंगी। तो राजा पीपा ने
रानियों की परीक्षा लेने के ब्याज से कहा, यदि हमारे संग चलना है तो फिर विरक्त होकर ही चलना पड़ेगा, उतारो ये अमूल्य वस्त्र आभूषण और ये केला की कौपीन बांधो और साधु होकर हमारे साथ चलो। कोई रानी साहस नहीं कर पाई, लेकिन राजा की जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था सीता सहचरी, उसने कहा कि मैं किसी भी अवस्था में आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूं। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो, बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, या ते अधिक कोई और कहा करेगो। लोग कहें मीरा भई बामरी और सास कहे कुल नासी रे, पर गोपी कहती है चित चोर ने चित चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर बाज कहां, और ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहां, अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहां, और कोई दुखिया पे दया करके बता दो री ब्रिजराज कहां, जब लाग गई फिर लाज कहां। तो रानी ने कहा कि मैं इस स्थिति में भी तैयार हूं। राजा को इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी कि मेरे कहने से रानी ये अमूल्य वस्त्र आभूषण उतार कर और एकमात्र केला की कौपीन धारण करके वो परम विरक्तों का सा भेष धर के हमारे संग चल देगी, जिसने कभी अपना पांव भूमि पर ना रखा हो उसके लिए वो बन के कंटका कीर्ण पथ कैसे उनका अनुगमन संभव हो पाएगा। पर रानी अपने वचन में दृढ़ प्रतिज्ञ कि मैं किसी भी अवस्था में आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूं। वो केला की कौपीन धारण करके जब रानी आई तब राजा को चिंता व्यापी कि मैं तो किसी प्रकार से इनसे संबंध विच्छेद करना चाहता था, अब क्या करूं। आचार्य चरण ने कहा कि ये वस्तुतः तुम्हारे संग चलने योग्य है। राजा ने कहा प्रभु इनको संग में ले जाकर भजन किस प्रकार संभव हो पाएगा। राजा जानता है कि वो पथ कैसा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाए, वहां हम दोनों कैसे चल पाएंगे। राजा ने और कठिन परीक्षा लेने के ब्याज से कहा कि यदि सच में विरक्त हो, यदि सच में तुम्हें देह का भान नहीं है तो ये केला की कौपीन भी उतारो और चलो हमारे साथ। और रानी जो ही वो कौपीन उतारने लगी, आचार्य चरण ने अपनी सौगंध देकर रोक दिया कि राजा हमारी आज्ञा है कि इनको संग लेकर चलिए, ये भजन के पथ में तुम्हारी सहायक होंगे। बड़े भारी मन से राजा को लेके चलना पड़ा। सारा का सारा संत समाज कथा कीर्तन करते करते द्वारिका धाम पहुंचा, द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आचार्य चरण और सब संत मंडली तो वहां से चल दी, लेकिन पीपा जी और सीता सहचरी के मन में इच्छा थी कि कुछ देर द्वारिका धाम में रहकर प्रभु का दर्शन किया जाए, प्रभु की रूप माधुरी का पान किया जाए। प्रत्यक्ष दर्शन की पिपासा जगी और किसी ने कहा कि द्वारिकाधीश यहीं प्रत्यक्ष विराजमान है, यदि विराजमान है तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं होंगे। किसी संत ने कह दिया कि ये तीन हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़, ये जो पंच तत्व का ये जो पांच भौतिक जो ये देह है बस यही भगवान के दर्शन में बाधा है। तो दोनों के मन में बड़ी उत्कट अभिलाषा दर्शन की और विचार करने लगे जो बाधा है उस बाधा को तुरंत दूर करना चाहिए, और दोनों द्वारिकाधीश नाम का नाम लेकर और समुद्र में कूद पड़े। जो चली है तू एक पग, हाँ चली हो पग साठ, इधर वो कूदे और जैसे ही भीतर कूदे और जो 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 गोता लगाता है वो क्या पाता है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। अच्छा आप द्वारिका जाओ तो ऐसा मत करना, लीला का चिंतन किया जाता है। देह अध्यास दूर हुए बिना व्यास जी बड़ी सुंदर बात कहकर चेताते हैं, देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। ऐसे एक उच्च कुल की कन्या की देखा देखी एक वेश्या अपना विवाह रचाए, लेकिन उसका विवाह विवाह नहीं है, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। भक्त की
भावस्थिति की का चिंतन करके, भक्त की भावस्थिति का मनन करके उसके निकट जाने का प्रयास करना चाहिए, जो का त्यों अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रयास है अर्थात मन सहज नहीं है, जब मन सहज होगा तब आपको सुध नहीं होगी कि प्रयास है या नहीं। दोनों कब कूद पड़े समुद्र में दोनों को पता नहीं चला, क्योंकि तन मन प्राणों में तो केवल एक अभिलाषा थी, किस प्रकार द्वारिकाधीश की कि वो मुख माधुरी चकोरवत उस मुख चंद्र की चंद्रिका का पान कर लें। दोनों कूदे और वहां द्वार पर द्वारिकाधीश समस्त पटरानियों के सहित खड़े थे भक्त और उस भक्ता का स्वागत करने के लिए। 7 दिन प्रभु के महलों में प्रभु के साथ रहे और 7वें दिन प्रभु ने कहा कि अब आप लौट जाइए। और सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे, जिसे एक बार भगवान का सानिध्य मिल जाए उसे क्यों कर संसार रुचने लगा कि प्रभु किस प्रकार से अब लौट जाए आपके चरणों में रह लेने के बाद। इस प्रकार कठोर न हुई है, भगवान ने कहा कि हमारी कृपा से आपको ये दर्शन, ये माधुरी, ये लीला, ये चिंतन सतत बना रहेगा, लेकिन यदि आप नहीं लौट कर जाते तो संसार में हमारा बड़ा भारी अपयश हो जाएगा। तो पीपा जी ने कहा, आपका अपयश कैसे हो जाएगा? बोले, आप जब कूदे थे तो क्या कहकर कूदे थे? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा, याद आया क्या कहकर कूदे थे? बोले, हाँ। क्या? बोले, जय द्वारिकाधीश। और भगवान कहते हैं कि संत लोग मेरे नाम की क्या महिमा गाते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनका नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। मेरे भक्त मेरा नाम लेके संसार सिंधु में डूब गए तो क्या मेरा अपयश नहीं होगा? नाम की लज्जा रखने के लिए, नाम तो वो है जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। जिसका नाम लेने से पत्थर तरता है और आप दोनों वो नाम लेने से डूब गए, यदि आप नहीं लौटे तो संसार सोचेगा कि भगवान का भक्त भगवान का नाम लेकर भी डूब गया, मेरा बड़ा भारी अपयश होगा, नाम की महिमा कलंकित हो जाएगी। नाम की महिमा रखने के लिए आप लौट जाइए। लौटा दिया भगवान ने, लेकिन ऐसे नहीं, प्रीति का प्रसाद देकर लौटाया। कैसी प्रीति? ये लब्ध्वा अपमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। कैसी प्रीति? जिसे पाकर भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानम। वो प्रीति देकर प्रभु ने लौट आया। और आज जहां से हम प्रविष्ट हुए कथा में, कि जीवन में कृष्ण की प्राप्ति, जीवन में उस परम तत्व की प्राप्ति तो सभी को है, आप में से, मुझ में से, प्राणी मात्र में से कौन ऐसा है जिसकी हृदय गुहा में प्रभु अवस्थित न हो? आप में से, मुझ में से कौन ऐसा है जिसके मन में प्रभु नहीं है? वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो? पर शायर कहता है, दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, बुलिया रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। तो प्रभु की प्राप्ति सभी को है, पर कथा से तो प्रभु के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, अनुराग, प्रभु के चरणों का वो अनुराग, वो प्रेम, वो विवल कर देने वाली वो प्रीति, वो निष्कपट अनुराग, वो प्राप्य तत्व है और कथा वही प्रदान करती है। प्रभु ने अपने अनुराग का परम धन देकर भेजा, शंख चक्र गदा पद्म की छाप देकर भेजी। द्वारिका में जय जयकार होने लगी कि भक्त भगवान का दर्शन करके आया है, भक्त भगवान से प्रसाद लेकर आया है। बड़ा यश फैलने लगा, चारों ओर दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। और गोस्वामी पाद कहते हैं, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रिदि वर्तते, साधक के
जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो कीर्ति है। तप कर कानन दाह लोक मान्यता अनल सम, तुलसी बाबा कहते हैं कि लोक मान्यता अनल सम, अनल माने अग्नि, ये जो लोक की मान्यता है बोले अग्नि जैसी है, जरा से आप चूके और तप कर कानन दाह, और बोले ये तप रूपी बन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। ये इतना प्रबल वेग है, ये कीर्ति इतने प्रबल वेग से जीवन में आती है जिसे कोई नहीं डिगा सका, इसे काम भी नहीं डिगा सका। उन देवर्षि नारद को थोड़ी देर के लिए प्रशंसा के दो शब्दों ने अस्थिर कर दिया। बहुत प्रशंसा संसार में हो तो चिंतित हो जाइए, प्रसन्न मत होइए, भयभीत हो जाइए कि प्रभु कहीं आप रुष्ट तो नहीं हो गए, कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए, आप अपने से दूर तो नहीं करना चाहते, तो संसार में मेरी इतनी जय जयकार हो रही है। और यदि फिर भी प्रतिष्ठा मिले, अगर फिर भी प्रभु प्रसाद स्वरूप दें, तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह, आप स्वीकार मत करिए, वो आपकी नहीं है। आज अगर संसार में मान लीजिए मैं विचार करूं मेरी मान्यता है, तो मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो खाक का था जर्रा, और मेरी क्या थी हस्ती, यूं ठोकरें खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, और मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मान्यता है मेरी नहीं, गुण सब तेरे और अवगुण सब मेरे, जैसे लकड़ी का आश्रय लेकर लोहा भी उस पार पहुंच जाता है, जैसे पुष्प के संग से पलाश का पत्ता भी भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, ऐसे कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल, मेरी नहीं सत्संग की महिमा है, ये साधु संग की महिमा है, ये भगवत कथा की महिमा है, इसलिए प्रशस्ति भी मेरी नहीं भगवत कथा की हो, जय घोष हो तो प्रभु के नाम का जय घोष हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि। इसलिए आपके कान में जब आपकी अपनी जय जयकार पढ़ने लगे, ध्यान से देना, मैं बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूं आपको, आपके कान में जब अपनी जय जयकार पढ़ने लगे तो उससे भी ऊंचे स्वर में गाना आरंभ कर दीजिएगा, केशव माधव हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल।